ओपन दोस्तों, तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके पश्चात दोस्तों आप लॉग इन कर सकते हो और एमपीपीएससी व्यापम पे क्लिक कर सकते हो। फिर उसके पश्चात दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ डेली जुड़ सकते हो। डेली सुबह 8 बजे दोस्तों स्पेशल क्लासेस होती है, यानी बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होती है, और रात को 9 बजे होती है। एक बार दोस्तों आप क्लास में जरूर आके देखना, आपको हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट है जो कि अभी तक बोरिंग लग रहे थे, इतने इंटरेस्टेड लगेंगे कि आप कहोगे कि हाँ दोस्तों सर हमको सारी चीजें याद हो रही है, और इस क्लास को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने दोस्तों बात किया था प्रीवियस क्लासेस में, हिस्ट्री और जो फिजिक्स है और इसी के साथ साथ मेडिसिन है, इन दोनों में दोस्तों नोबेल प्राइज 2019 मिल चुका है। किस किस को मिले हैं ये आप अच्छे से याद रखना, विलियम कैलेन हो जाएगा, इसी के साथ साथ दोस्तों सर पीटर रेडक्लिफ हो जाएगा, और इसी के साथ साथ ग्रेग एल सेमेंजा हो जाएंगे। इन तीनों को दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में मिले हैं। इसी के साथ साथ हम फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों तीनों की हम बात करें तो जेम्स पीबल्स हो जाएगा, इसी के साथ साथ माइकल मेयर हो जाएगा और रेडियर कुलॉफ हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। यदि ये दोनों याद नहीं हो रहे हैं मेरी तरह याद हो जाएंगे, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से देख लीजिए, आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी, एक बार जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले तीनों वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिल चुका है। वैज्ञानिक दोस्तों गुण इनफ सबसे उम्रदराज विजेता है, और इसको भी ये भी अभी याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री के इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा बुधवार को कर दी गई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस ने केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है। अब देखिए दोस्तों किस किस को मिला है। अमेरिका के जॉन बी गुड इनफ है, किसको मिला है दोस्तों, अमेरिका के जॉन बी गुड इनफ को मिला है। इंग्लैंड के दोस्तों एम स्टैनली विंटिगम को मिला है, और जापान के अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको कैसे याद रखें, अब देखिए दोस्तों जॉन बी गुड इनफ इंग्लैंड के दोस्तों एम स्टैनली विटिंगम हो जाएगा, और जापान के अकीरा योशिनो हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखें, अब मान लीजिए केमिस्ट्री की वही है दोस्तों, केमिस्ट्री में मान लीजिए रसायन में मिले हैं, यानी रसायन विज्ञान में मिले हैं केमिस्ट्री में। तो मान लीजिए दोस्तों जॉन नाम का एक व्यक्ति था, वो आराम से कर रहा था, काम वगैरह कर रहा था, तो उसको कह दिया कि काम आप मत करिए, आपने गुड यानी बहुत अच्छा काम किया है, अब काम को इनफ कर दीजिए यानी रोक दीजिए, तो जॉन बी गुड इनफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम स्टैनली विटिंगम हो जाएगा, ठीक है स्टैनली, अब यानी आपने बहुत ज्यादा गुड कर लिया, इनफ काम कर दीजिए, उसके बाद आप स्टैंड कुछ लीजिए और आराम से क्या कर लीजिए, बैठ जाइए, विटिंगम यानी उस पर बैठ जाइए, विटिंग कर लीजिए, और जापान के हाँ कीरा योशिनो। तो जैसे ही देखे ये दोस्तों वो वहां पर बैठे थे तो वहां पर एक कीड़ा टाइप आ गया था। अब केमिस्ट्री में बहुत कीड़े वगैरह आते हैं, तो क्या हो जाएगा, कीरा मतलब आ कीरा, क्या हो जाएगा, आ कीरा योशिनो, यानी उनके सीने पर कीड़ा खा गया था, तो आ कीरा योशिनो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री की लैब में उन्होंने काम किया था, तो अब लोगों ने कही आराम कर लीजिए, जॉन ई गुड इनफ हो जाएगा, आप गुड बहुत अच्छा काम किया, अब इनफ काम है आपके लिए, काम सफिशियंट है, इनफ है। अब जैसे ही दोस्तों इनफ किया तो उन्होंने एक स्टैंड लिया और वो बैठ गए, स्टैंड लिया यानी स्टैनली, तो उसके बाद कौन हो जाएंगे, इंग्लैंड के एम स्टैनली विटिंगम, यानी वहां पर वो विटिंग यानी बैठ गए, और उसके बाद वहां पर बैठे तो क्या आया था, एक कीड़ा आया था, तो क्या हो जाएगा, अकीरा कहां पर खा गया था, उनके सीने पर, तो योशिनो, अकीरा योशिनो, आसानी से आपको याद हो चुका होगा। तो इन तीनों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन तीनों को लिथियम आयन बैटरी का विकास करने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 97 साल के दोस्तों गुड इनफ नोबेल पाने वाले सबसे बुजुर्ग वैज्ञानिक भी हो गए हैं। उसके बाद सारी जानकारी बताई गई है दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों नोबेल प्राइज सभी को मिलेंगे मैं आपको आसानी से सारी चीजें याद करा दूंगा कि कैसे हमको याद करना है और कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब दोस्तों दोबारा से बताइए, तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे जल्दी से बताइए, जॉन बी गुड इनफ हो जाएंगे, ये बैठ गए थे। उसके बाद बताइए दोस्तों उन्होंने क्या ली थी, एक स्टैंड लिया था, तो क्या हो जाएंगे, स्टैनली हो जाएंगे दोस्तों, स्टैन ले लिया था और वहां पे वो बैठ गए थे, तो विटिंगम, तो स्टैनली विटिंगम हो जाएंगे, और जैसे ही बैठे थे एक कीड़ा आ गया जो कि उनके सीने पे खा गया, तो आ कीड़ा क्या हो जाएगा, योशिनो, क्या हो जाएगा दोस्तों, आकीरा योशिनो, तो आसानी से याद हो जाएंगे एक दो बार देखोगे तो, जॉन बी गुड इनफ हो जाएगा, इसी के साथ साथ दोस्तों आकीरा योशिनो हो जाएगा, और स्टैनली विटिंगम हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए आपके सामने,
अमेरिका के जॉन बी गुडिनफ, इंग्लैंड के एम स्टैनली विटिंगम और जापान के अकीरा योशनो। इसी की तरह दोस्तों यदि आपको कोई गाने के द्वारा याद करा रहा है तो मान के चलिए आपको पहले गाना याद करना है, उसके बाद उनमें वर्ड ढूंढने हैं, उसके बाद उन वर्डों को याद करना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन टास्क हो जाएगा। और जब बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपके लिए कठिन टास्क हो जाएगा और एग्जाम में आपके सामने बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और प्रेशर रहता है तो आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखा कीजिए, ऐसी चीजें याद कीजिए ट्रिक्स के द्वारा नहीं, लिंक के द्वारा, और यही हमारा मकसद होता है। तभी आप कोई प्रशासनिक एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, नहीं तो कांस्टेबल वगैरह में आप ट्रिकों द्वारा कर पाओगे। वो भी ट्रिकें आपके सामने जब आप एग्जाम देते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो इस वजह से आप अच्छे से याद कीजिए। और इसी के साथ साथ आप सबके लिए दोस्तों लाइव क्लासेस भी लाई जाएगी, यदि आप सब तैयार हो जाओ तो अच्छे से सारी चीजें याद करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर दबाएं। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।